एवरीवन, वेलकम टू प्रीमियम लर्निंग्स। माय नेम इज नेहा एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सब्सक्राइब प्रीमियम लर्निंग्स यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स अबाउट वीडियोस फॉर योर करियर ग्रोथ। सो यहाँ बेसिकली हम ये बात नहीं करेंगे कि 1NF क्या है, 2NF क्या है, या हम समझेंगे, मतलब एक बेस हमें क्रिएट करना है पहले नॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले कि आखिर में इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें DBMS में नॉर्मलाइजेशन यूज करना होता है। सो नॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ प्रॉब्लम्स बता देती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा है, सपोज एक बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, ठीक है, और सारा डेटा ना एक सिंगल टेबल में ही मेंटेन्ड है, ठीक है। क्या समझना कि मैं क्या बोल रही हूँ, सारा डेटा एक सिंगल रिलेशन में या एक सिंगल टेबल में ही मेंटेन है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली बात तो एरर्स बहुत सारी आ सकती हैं, दूसरा रिडंडेंसीज बहुत सारी हो सकती हैं, तीसरा जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या फिर हमारी डिस्क स्पेसेस हैं उसमें यूज जो होगा उसका बहुत पुअर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इवन मैं आपको बोलूँ ना कि जो रिडंडेंसी है इन अ लार्ज स्कीमा, रिडंडेंट डेटा जो होता है वो बहुत रूट कॉज प्रॉब्लम होता है किसी भी डेटाबेस में, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा सा टेबल है मेरे पास, तो मुझे डेटा को अपडेट करना है, इंसर्ट डिलीट करना है, तो भी मुझे उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पर पहले हम देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड इंटू अ सिंपल रिकॉर्ड, और इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ कंसिस्टेंट डेटाबेस बाय मिनिमाइजिंग रिडंडेंसीज। यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि यदि मान लो मेरे पास डेटाबेस में जो डेटा है सिंगल डेटा और बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, मतलब एक ही में सारा डेटा हमने इंसर्ट कर दिया है, तो कॉम्प्लेक्स यदि रिकॉर्ड है तो हम उसको डिकम्पोज कर देंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको तोड़ देंगे, और हमें डेटाबेस ऐसा बनाना है जो कि कैसा हो, कंसिस्टेंट हो और उसमें रिडंडेंसीज बहुत कम हो, मतलब डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है। तो अब इसको हम बहुत अच्छे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है सारे चीजों का। सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसमें एक बहुत बड़ा मेरे पास टेबल है। अब मैंने इस टेबल में डेटा को फीड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस टेबल में मान लो मुझे कुछ और स्टूडेंट को एंटर करना है, तो भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज मुझे एक स्टूडेंट है डी, उसे मुझे एंटर करना है जिसने कोर्स लिया है 1 ID का, मतलब 01 ID लिया है, मतलब उसके कोर्स का नाम होगा C++। नाउ आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम कितने भी स्टूडेंट लिखेंगे तो यदि वो किसी भी कोर्स आईडी को चूज करेगा तो उसके साथ ये उसको फोकट में या फ्री में उसको एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब ये डेटा आपको बार बार फ्री में हमें एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब कितनी रिडंडेंसी आ गई यहाँ पर, सी दिस एंड दिस रिडंडेंसी इज ऑल्सो। So we don't want these kind of redundancies in our database or in our table. तो मुझे क्या करना है मुझे इसको डिलीट करना चाहिए, मुझे इसको मिनिमाइज करना चाहिए। और चलो ये तो छोटा सा डेटाबेस है, और थोड़ा सा बड़ा डेटाबेस लेते हैं मान लो, जिसमें डेटा ऐसा हो कि बार बार रिडंडेंट आ रहा हो। सपोज हम इसका सिनारियो ले लेते हैं। अब देखो कोर्स में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वो किसी ब्रांच में जाएगा या एक डिपार्टमेंट में जाएगा, मान लो कंप्यूटर में गया, और उसका कोई एक हेड भी होगा, सपोज XYZ हेड है, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन सबका हेड तो एक ही होगा XYZ, तो 100 टाइम्स मुझे XYZ लिखना पड़ेगा, और यदि वो हेड है तो वो किस डिपार्टमेंट का है वो भी मुझे 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और कोड भी मुझे 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, कोर्स नेम भी मुझे 100 टाइम लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर द लेवल ऑफ रिडंडेंसीज कितना बड़ा लेवल है यहाँ पर, मतलब कितनी सारी रिडंडेंसीज आ गई। तो ये नहीं होना चाहिए, ये जो रिडंडेंसीज है ये रूट कॉज है प्रॉब्लम जो हमारे डेटाबेस में आता है, ठीक है। तो ये रिडंडेंसीज को हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। अब है ना इन रिडंडेंसीज से आप सोच रहे होंगे कि क्या ही प्रॉब्लम आ जाएगा। अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो आपने कभी एनोमलीज के बारे में सुना है, एनोमली, ठीक है। एनोमलीज क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा होती है। सपोज मैंने एक जगह कहीं तो अपडेट कर दिया और कहीं नहीं किया, या इंसर्ट है तो नहीं, कहीं और इंसर्ट नहीं किया मैंने डेटा, कुछ और डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डेटा होता है, जहाँ वहाँ हमारी एनोमलीज आती है। तो इस टाइप के सिनेरियो में भी 3 टाइप की एनोमलीज होती है। पहले हम समझते हैं कि इंसर्ट एनोमली क्या होती है,
ठीक है, इंसर्ट से नाम समझ में आ रहा है कि मान लो मुझे किसी को किसी का डेटा इंसर्ट करना है, सपोज एक कॉलेज का डेटाबेस है ये, और इस कॉलेज के डेटाबेस में मुझे एक कोर्स इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज 04AOA, ठीक है। अब क्या मैं इसको इंसर्ट कर सकती हूँ विदाउट रोल नंबर, क्योंकि आपको पता है आप जब से डेटाबेस पढ़ रहे हो आपको पता है कि ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, तो आप ये डेटा एंटर नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है। पर मुझे तो करना है क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो ये कोर्स ऑफर कर रहा है। तो इस टाइप की जो एनोमलीज होती है उनको बोलते हैं इंसर्ट एनोमली। नाउ अपडेट क्या होता है, अपडेट एनोमली क्या होती है, सपोज ओवर अ टाइम ऐसा लगा कि ये जो C++ है इसको इसका सिलेबस मॉडिफाई कर दिया जाए और इसको नया नाम दे दिया जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मैं कहीं कई जगह तो मैं चेंज कर सकती हूँ, पर यहाँ आप समझो सपोज मेरे पास जो टेबल है उसमें जो डेटा है वो 1000 से भी ज्यादा डेटा है और कहीं वो डेटा मिस हो गया तो अपडेट होना, तो वहां पर क्या आ जाएगी, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। मैंने आपको बताया अभी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, तो वहां पर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो जाएगा या डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो बच्चा वो C++ पढ़ रहा है और कहीं उसका अपडेट हो गया तो ऊप्स पढ़ना है, तो यहाँ पर डेटा में अपडेशन एनोमली आ जाता है, ठीक है। नाउ डिलीशन में भी होता है, सपोज आई वांट टू डिलीट अ डेटा। अब मान लो एक स्टूडेंट है ये वाला 005, कोई भी रेंडमली मैंने ले लिया है, ठीक है। अब सपोज मुझे इस स्टूडेंट के फादर का ट्रांसफर हो गया है तो इसको छोड़ना पड़ रहा है कॉलेज। अब जब ये मैं टपल डिलीट करूंगी इसको, सपोज मुझे इस टपल को डिलीट करना है, तो मेरा है ना ये पाइथन का कोर्स जो 03ID के साथ था वो भी डिलीट हो जाएगा। पर आप इस टेबल में देखेंगे क्या ये अकेला एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने पाइथन का कोर्स लिया था, पर मेरा कोर्स तो कॉलेज में होना चाहिए, कोर्स तो एग्जिस्ट है ना, कोर्स थोड़े ना डिलीट करना है, मुझे तो स्टूडेंट डिलीट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट एनोमली ऑकर होती है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी समझ में आया होगा। अब इन एनोमलीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी अब देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लार्ज डेटाबेस है या सिंगल टेबल है हमारा, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के फॉर्मेट में, दो से ज़्यादा भी टेबल्स हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बड़ा डेटा होगा उसको स्प्लिट उतना टेबल्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ स्प्लिट करने का क्या फ़ायदा हो गया वो देखो। अब यहाँ पर जितने रोल नंबर्स के स्टूडेंट है, देखो सारे रोल नंबर तो आएंगे, यहाँ 1005 भी आ जाएगा जिसका सी नेम है और उसने कोर्स लिया है 03, ठीक है। नाउ यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उनका डेटा तो हमें लिखना ही पड़ेगा, पर अब हम दूसरा टेबल में क्या मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ हम कोर्स का नेम और कोर्स की आईडीज मेंटेन कर दें। तो देखो कितना इजी हो जाएगा, ये यहाँ C++ लिख दिया, यहाँ DBMS लिख दिया और यहाँ पाइथन लिख दिया। अब आप सोचिए सपोज यहाँ पर मिलियन ऑफ स्टूडेंट भी होते और यदि कॉलेज सिर्फ 3 कोर्स ही प्रोवाइड करता, तो इस सेकेंड टेबल में कितनी टेबल्स होती, कितनी रोज होती, ऑफकोर्स 3 ही होती। क्यों, क्योंकि हम इसको सिर्फ एसोसिएट कर सकते हैं दूसरे टेबल के साथ, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो इस टेबल में तो ज़्यादा ही होंगे क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर मेंटेन है, ठीक है। पर इस टेबल में हमारा डेटा रिड्यूस हो गया, तो ये जो टाइप की रिडंडेंसी थी ना, ये वाली जो रिडंडेंसी है ये इधर रिमूव हो गई है। यहाँ पर अभी सिंगल सिंगल टपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पर एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर रिलेशन का, जब भी आप किसी टेबल को दो पार्ट में स्प्लिट करते हो तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टेबल हमेशा इस टेबल से किसी ना किसी वे में रिलेटेड रहे। मतलब आपको एक फॉरेन की और एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। सपोज ये मेरी बेस टेबल है तो यहाँ पर ये कोर्स आईडी जो है वो प्राइमरी की है और यहाँ पर वही टेबल में ये वाली की फॉरेन की के जैसा एक्ट करेगी। अब मान लो ये रिलेशन आपने नहीं लगाया तो आप रोल नंबर में 1001 रोल नंबर का जो स्टूडेंट है, नेम ए है, कोर्स आईडी 1 है, तो वो कौन सा कोर्स है आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे यदि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर डेटा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो मान लो मुझे डेटा एंटर करना है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है 1006 जिसका नाम है डी और उसने एक आईडी में एंटर किया है 01 में, ठीक है।
अब मुझे कुछ अपडेट नहीं करना है, सिर्फ मैंने यहाँ पर कोर्स आईडी 01 करी। अब 01 का क्या मतलब है कि उसने C++ में एंटर किया है, तो यहाँ पर हमारी इंसर्ट एनोमली जो है वो डिलीट वो हट गई यहाँ पर से। यदि मुझे एक टेबल में डेटा को अपडेट करना है, सपोज कोर्स नेम अपडेट करना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि OOPM या OOPs, ओप्स, ठीक है, यहाँ पर ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी अपडेट एनोमली हट गई। सपोज मुझे डिलीट करना है ओवर अ टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडेंट अभी यहाँ से नहीं है, या फिर हमने 005 को हटाया था, तो इसका ट्रांसफर हो गया इसके फादर का, यदि हटेगा तो ये कॉलम डिलीट होगा, बाकी हमारे पास पाइथन कोर्स अवेलेबल है ही कॉलेज में। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो था नॉर्मलाइजेशन का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। अब इसके कुछ गोल्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, आखिर में नॉर्मलाइजेशन को क्यों बनाया गया और क्या ये मेंटेन कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। और उसको देखने से पहले आप फिर से वो डेफिनेशंस को रिवाइज करिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने अभी पढ़ा क्या है। तो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड इनटू सिंपल रिकॉर्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ कंसिस्टेंट डेटाबेस बाय मिनिमाइजिंग रिडंडेंसीज। तो आई डेफिनेटली श्योर कि आपको अभी ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ हम गोल्स की बात करेंगे डेटाबेस में, तो ये डेटाबेस हमेशा एंश्योर करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के केस में कि एंश्योर करे डेटा इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी क्या होती है, यहाँ पर तीन टाइप की इंटीग्रिटीज होती है, एडिट इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटी। तो एडिट इंटीग्रिटी कहता है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहता है कि आपको एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा टेबल के बीच में, दो टेबल के बीच में, दैट इज फॉरेन की का। हमने अभी देखो करा है, और हमने ये भी देखा है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और फॉरेन की हमने जब डेटा को स्प्लिट किया था तब यूज किया है। एक ये नया कॉन्स्टेंट है जिसको हम बोलेंगे डोमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है जब भी आप टेबल मेंटेन करते हैं, मान लो यहाँ पर आईडी है तो वो इंटीजर में है तो वो इंटीजर में ही होगा, यहाँ पर आप सी या ए नहीं ऐड कर सकते, या आपका जो नेम है यदि यहाँ कैरेक्टर है तो आप यहाँ पर नंबर्स नहीं यूज कर सकते। तो मतलब जो डोमेन है वो डोमेन में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिकेशंस है वो हम चेंज नहीं करते, या फिर बोल सकते हैं कि परमिसिबल जो वैल्यूज है वही हमें यूज करना है। देन रिडंडेंसीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर दो टाइप की रिडंडेंसीज होती है, डायरेक्ट रिडंडेंसी भी हो सकती है और इनडायरेक्ट रिडंडेंसी भी होती है, एंड एनोमलीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा था गोल्स ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइज यदि हमें डेटा करना है तो ये सारी चीजों को हम रिमूव करते हैं, जैसे एनोमलीज को मेंटेन करते हैं, जैसे डेटा इंटीग्रिटी को, और रिडंडेंसी को होने नहीं देते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।